नमस्कार दोस्तों, पायल IAS में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह अर्थव्यवस्था की आर्थिक शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मनी लॉन्ड्रिंग नामक शब्द ने भारत में राजनीतिक कोहराम मचाया हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लोकप्रिय रूप में हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है। भारत में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ था, जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। आइए देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा के विषय में। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसको लाउंडरर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। लॉन्डरिंग पैसे की प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, तीसरा एकीकरण। प्लेसमेंट पहला चरण के अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से है। इसमें लाउंडरर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा कराता है, प्लेसमेंट कहलाता है। लेयरिंग किसे कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा चरण लेयरिंग धन छुपाने से संबंधित है। इसमें लाउंडरर लेखा किताब में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लाउंडरर धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रेवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों के बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पर है एकीकरण। यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडरर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आ जाता है। आइए देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें सेल कंपनियां भी कहा जाता है। सेल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती और ना ही इसमें वास्तविक रूप में कोई उत्पादन कार्य होता है। दरअसल ये सेल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं, वास्तविक दुनिया में नहीं होती हैं। हालांकि लाउंडरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देनों को दिखाता है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता है और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से वह बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यदि कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है किसी बड़े मकान, दुकान या माल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना, जबकि उस खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज़्यादा होती है।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम कर देना पड़े। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। एक अन्य तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लाउंडरर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों के बैंकों में जमा कर देता है जहां उसके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। आइए देखते हैं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था लेकिन इसमें तीन बार संशोधन क्रमशः 2005, 2009 और 2012 में किया जा चुका है। 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया। PMLA संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, जिसे अधिग्रहण, कब्जा और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग इत्यादि को शामिल किया है। PMLA 2002 में RBI ने सेबी और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA को PMLA के तहत लाया गया है और इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। उपर्युक्त लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और चालाकी भरी है, जिसको रोकने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आया होगा। यदि आपको किसी बात की समस्या हो तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके कार्यों के विषय में। साथ ही अन्य टॉपिक को देखने के लिए आप पायल IAS की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आप सभी से निवेदन है कि पायल IAS यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।